एक्चुअली ये डिसीजन जो है वो मेरा नहीं है, कलेक्टिव डिसीजन है. हमें लग रहा था कि सॉन्ग जो है वो पावरफुल सॉन्ग है और इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, इसको लोगों में थोड़ा यू नो लोगों से बातचीत शुरू हो जाए सॉन्ग की, उसके बाद फिल्म आना चाहिए. दूसरी बात, 10 तारीख को ऐसा लगा था जैसे हमने जब अनाउंस किया तब हम अकेले थे, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ इतनी फिल्में आ गई. उसके बाद 6 फिल्में आने वाली थी जो कि अभी नहीं आई शायद, लेकिन और फिर रमजान का टाइम था, यू नो कुछ लोगों को ये भी था कि यार रमजान निकल जाने दो, तो बहुत सारे रीजन थे, लेकिन ये सब कलेक्टिव डिसीजन था, ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था. मोस्टली इट वॉज के थोड़ा ग्रो हो जाए फिल्म, थोड़ा सॉन्ग भी लोगों की जबान पर चढ़ जाए तो फिर करना अच्छा होगा. सर गीत है कि डमा डमा डम 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 डम, और एक तरफ जगाने की बात हो रही है, और इस समय बहुत अहम मुद्दा उठ रहा है इंडस्ट्री में भी कि सेंसर बोर्ड को भी जगना चाहिए, CBSE जो हमारे यहाँ अलग अलग चीज़ों पे चला रहा है कैंची, तो क्या ये गाना उनके लिए भी एप्ट है उस संस्था के? हर चीज़ के लिए है. अभी सेंसर बोर्ड का मुद्दा क्या, हमारे देश में मुद्दा अगर सिर्फ पेपर में आ गया तो इसका मतलब थोड़ी उठ नहीं रहा, मुद्दे तो बहुत हैं और हर मोमेंट पे मुद्दे ही मुद्दे हैं, वो हम तक पहुँचते नहीं हैं. अब ये बड़ी अजीब बात है कि इतने सालों से कुछ कुछ मैगजीन जो आप लोगों में से जिन लोगों का इंटीग्रिटी है उन लोगों ने एक स्टेट के बारे में लिखा और उसकी सीवियरिटी बताई क्राइसिस की, और वो बात आज तक हम तक पहुंच रही है. 10 साल बाद कोई एक फिल्म बनती है उस स्टेट में, स्टेट पे बेस्ड होके, और सडनली इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है. और हमें तो मतलब मुझे दिक्कत ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि सेंसर बोर्ड है कि सर्टिफिकेट बोर्ड है. दिस इज सर्टिफिकेट बोर्ड, इट्स नॉट सेंसर बोर्ड. सो हमें ये भी नहीं पता है कि सेंसर बोर्ड है कि सर्टिफिकेट, हम हमेशा बोलते हैं कि सेंसर बोर्ड है. सो आई थिंक ये अंग्रेजों के बनाए हुए रूल है, अब किसी एक इंडिविजुअल पे इसका इल्ज़ाम नहीं जाना चाहिए. अब उस किसी को भी आप बिठाएंगे वो अगर रूल बुक से चलेगा तो रूल इस तरह के लिखे हुए हैं जो उस जमाने में लिखे गए थे, और वो अंग्रेज़ क्योंकि मतलब यू नो हमको कंट्रोल करना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसे रूल लिखे थे, और हम सो रहे हैं, देश सो रहा है, यू नो हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं किसी की चीज़ को चेंज करने की. अभी तो पूरा कंट्री सेंसर बोर्ड बन गया है कि कोई भी कोई चीज़ उठती है तो कोई मुद्दा उठा कर लेता है. तो आई थिंक इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, इंडस्ट्री को सामने आना चाहिए. इंडस्ट्री 4,000 करोड़ साल में टैक्स पे करती है, तो गवर्नमेंट को कम से कम जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मतलब एक जेस्चर होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप टैक्स पे कर, थोड़ा शाबाशी तो देना चाहिए यार उन लोगों को जो टैक्स पे कर रहे हैं इतना. तो आई थिंक हमें भी जानना चाहिए, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए. हर बार 40 साल से महेश भट्ट का बयान था कि 40 साल पहले कुछ उन्होंने फिल्म बनाई थी वो भी ऐसी अटक गई थी, तो हम लोग सो रहे हैं. सर अगर गीत आपका इतना मतलब बूस्ट करता है ये गाना, अगर चुनावी प्रचारों में अगर ये गीत मांगे तो आप उन्हें देंगे आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे? नहीं सर, चुनाव हम क्यों देंगे, हम नहीं देंगे. वो बैकग्राउंड में चला सर, ऐसा होता है क्रिएशन का ये होता है, जिस दिन हमने ये फिल्म की और जिस दिन ये मार्केट में आई, ना तो ये निश्चित आपकी रहेगी, ना मेरी रहेगी, ना रितेश जी की रहेगी, फिर ये ऑडियंस की होगी. ऑडियंस को जैसे लेना चाहे जैसे इस्तेमाल करना चाहे. अब कॉपीराइट अगर मांगे तो हम तो नहीं देंगे कॉपीराइट, क्योंकि इलेक्शन का वो कैंपेन नहीं है. बट बेहतरीन गीत है, ऊर्जा भरती है और ज़्यादा, इसीलिए यही था, इसीलिए इतना टाइम लगा इसमें, और शुक्रिया आपको, आपने हमको भी बताया.